Hello everyone, welcome to my channel. I am Vimi Dogra, Sonosologist, Numerologist and Astrologer. बारह राशियां होती है, उसी तरह जैसे बारह राशियों का व्यक्तित्व, उनका स्वभाव, उनका आचरण, उनकी पसंद, हर चीज अलग अलग होती है, ठीक वैसे ही जनवरी मंथ से बॉर्न हुए लोग, जनवरी टू दिसंबर जो व्यक्ति इस मंथ में बॉर्न हुए हैं, उसी तरह उनका नेचर, स्वभाव, उनकी पसंद सब अलग अलग होती है। राशियों का अलग होता है और जो मंथ में बॉर्न हुए हैं उनका नेचर अलग अलग होता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता है कि उनकी बर्थ डेट क्या है, वो कौन से डेट को बॉर्न हुए हैं, तो इसलिए उन्हें पता होता है कि कब, कोई जनवरी में, कोई फरवरी में, कोई मार्च में, मतलब जनवरी टू दिसंबर तक उन्हें सिर्फ इतना पता होता है, मंथ का पता होता है कि हमारा जन्म इस महीने में हुआ था। उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले के ज़माने में इतना पता नहीं होता था, मतलब हमारे जो सीनियर्स थे उन्हें पता डेट का इतना पता नहीं होता था, वो खाली बोल देते थे जनवरी मंथ था या दिसंबर था या फरवरी थी। ये उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ठीक रहेगा, इसलिए ये सब सोच समझकर ही मैंने जनवरी टू दिसंबर तक का वीडियो बनाया है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जून मंथ में बॉर्न हुए लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। जून मंथ में बॉर्न हुए लोगों का नेचर चिड़चिड़ा होता है, ये काफ़ी चिड़चिड़े होते हैं, तेज स्वभाव के होते हैं, गुस्सा इन्हें बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन यदि कोई इन्हें प्यार से समझाए तो ये बात मान भी लेते हैं, अपनी बातों पर फिक्स रहते हैं, वो अपनी बात चेंज नहीं कर सकते। यदि किसी टॉपिक पे डिस्कस करना होगा तो ये बड़ी अच्छी तरह उस टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं, बहस के मामले में भी पीछे नहीं रहते हैं, बहस भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, अपनी बात सामने वाले से मनवा कर ही रहते हैं। इनकी जो आदत होती है हुकुम चलाने की, हुकुम भी लोगों पर काफ़ी चलाते हैं, जैसे फैमिली में इनके छोटे भाई बहन हैं उन पर बड़ा हुकुम चलाते हैं कि ये आपको काम कर रहा है मतलब आप करोगे, और छोटे भाई बहन होते हैं उनकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन यही स्वभाव उनका आगे जाके मैरिज होने के बाद, जैसे बचपन से उन्होंने किया है छोटे भाई बहनों पे हुकुम चलाना, मैरिज के बाद भी वो अपने लाइफ पार्टनर पे ऐसा करते हैं, मतलब अपनी जो मतलब हुकुम चलाने की आदत है वो आगे तक वैसे ही रहती है। लेकिन ऐसा ना करें क्योंकि मैरिज लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लीडर स्वभाव के होते हैं, इनमें टैलेंट काफ़ी भरा होता है और इनमें आइडियाज़ भी काफ़ी होती है, मतलब एक आइडिया का भंडार होता है इनके दिमाग में, और ऐसे अच्छे अच्छे आइडियाज़ होती हैं यदि ये उन पे अमल करें तो ये लाइफ में काफ़ी आगे जा सकते हैं। नेम और फेम का इन्हें बहुत अट्रैक्शन होता है, क्यों ना हो, जून मंथ में बॉर्न हुए हैं, वीनस के मंथ में, तो फेम और नेम इन्हें तो मिलता ही है। शुक्र का अंक है, आकर्षण तो होगा ही, सामने वालों को काफ़ी आकर्षित करते हैं, इन्हें दोस्त बनाने का काफ़ी शौक होता है, और दोस्त ऐसे इनके बनते हैं कि मतलब उनके स्वभाव से ही, मतलब उनका स्वभाव मैच होता है, और दोस्ती इतनी पक्की तरह निभाते हैं किसी भी हालात में, अगर किसी दोस्त को इनकी ज़रूरत पड़े रात के 12 बजे ही क्यों ना हो, वो टाइम बिल्कुल नहीं देखेंगे कि मैं क्या करूँ, जाऊँ या ना जाऊँ, वो किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने दोस्त के पास पहले जाएंगे, यदि उसके फैमिली में कोई उन्हें मना भी करे तो नहीं सुनेंगे, वो पहले अपने दोस्त के पास जाएंगे। यारों के यार होते हैं, दोस्ती में बहुत ही पक्के होते हैं। जून मंथ में बॉर्न हुए लोग प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, सामने वाले व्यक्ति के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और प्यार में बहुत ही वफादार होते हैं, अपनी लाइफ पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं और उन्हें हर खुशियाँ देने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं मैं अपनी तरफ से उसे बहुत मदद, जो उसे चाहिए मैं दूँ, ये कोशिश भी करते हैं, और इनकी मैरिज लाइफ भी काफ़ी अच्छी गुजरती है। इन्हें पेट्स बहुत पसंद है, इन्हें डॉग्स से, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं और पाले हुए डॉग होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल, मतलब हर प्राणी से इन्हें बहुत प्यार होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात कहूँगी आपके लिए, यदि किसी व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया है, आप जल्दी उन्हें माफ नहीं कर सकते, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी, जितना हो सके जल्दी माफ़ करें, यदि माफ़ ना कर पाओगे
तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी। थोड़ा माफ करना सीखें, गुस्से को कंट्रोल करें, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। करियर के लिए चूज कर सकते हैं डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, काउंसलर, टीचर, इनके लिए फील्ड काफी होते हैं। लेकिन स्पेशली ये डांसिंग और म्यूजिक में अगर इन्होंने अपना करियर बनाया, टॉप पे पहुंचोगे आप अगर चूज करना चाहते हैं डांसिंग म्यूजिक, ज्यादा चूज कीजिए, क्योंकि ये आपके स्टार्स जो आप वीनस के हो, ये आपके लिए, आपको जो ये फील्ड चूज करोगे आप कहाँ से कहाँ तक जाओगे आप खुद भी नहीं सोच सकते। आपके लकी नंबर्स हैं 4, 5, 6 and 7। इनके लकी कलर्स हैं ऑरेंज, ग्रीन एंड पिंक। आपको ब्लैक कलर अवॉइड करना है, ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं यूज करना है। यदि ब्लैक कलर यूज करोगे, जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जैसे आपने कुछ फील्ड चूज किया उसमें आपको मेहनत तो और ज्यादा करनी होगी, और जो आप 2 साल में वो मुकाम पर जाने वाले हो वो आपको 2 साल की जगह 5 साल लगेंगे। आजकल के जनरेशन मानती नहीं है, लेकिन आप सिर्फ ज्यादा नहीं कहूंगी, 1 से 2 साल, ये मेरी बातों को गौर से आप उतार लीजिए कि मुझे ब्लैक कलर अवॉइड करना है, ब्लैक और रेड कलर अवॉइड करें। हेल्थ के लिए यदि सच कहा जाए 12 महीने इन्हें सर्दी रहती है, एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। सर्दी का महीना हो, गर्मी हो, बरसात हो, इन्हें सर्दी होती ही है। एलर्जी की प्रॉब्लम होने की वजह से इन्हें स्किन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। और हेल्थ के मामले में जैसे यदि इन्हें स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, आप अवॉइड ना करें, डॉक्टर के पास जल्दी कंसल्ट करें जाकर, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ सकती है। जिस धर्म में आप बिलीव करते हो, आप हफ्ते में एक दिन मंदिर जरूर जाएं, या चर्च जाएं, या गुरुद्वारे जाएं, या मस्जिद जाएं, जो भी धर्म से आप रिलेटेड करते हैं, आपको इससे बहुत फायदा होगा। यदि आप नॉनवेज अवॉइड करते हो, ये भी आपके लिए काफी अच्छा होगा। नॉनवेज यदि खा रहे हो, अगर आप उसके बिना नहीं रह सकते कि आपका फूड नॉनवेज ही है, फ्राइडे के दिन अवॉइड कीजिए। बाकी के दिन भी अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन फ्राइडे स्पेशली आप फ्राइडे के दिन नॉनवेज ना खाएं। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जून मंथ के बारे में, जो जून मंथ में जो व्यक्ति बॉर्न हुए उनके लिए बताया है। आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, सबको ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। आप कमेंट में जाके मुझे जरूर बताइए आप कौन से टाइप का वीडियो चाहते हैं, मैं वो वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगी। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहे उसके लिए धन्यवाद। सी यू सून। थैंक यू।